प्रयागराज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ने की वजह से जारी बवाल और तेज हो गया। प्रदर्शन कर रहे कुछ छात्रों ने विरोध जताने के लिए भू समाधि लेने का ऐलान कर दिया, जिसके लिए वो गड्ढे खोदने लगे। लेकिन इसी दौरान वहां पुलिस पहुंच गई और फिर छात्रों के साथ उनकी धक्का मुक्की शुरू हो गई। कभी पुलिस छात्रों को बाहर की ओर खींचती तो कभी छात्र उनको धक्का देकर अंदर की ओर भागने लगते। इससे पहले भू समाधि की तैयारी करते हुए वहाँ एक छात्र ने गड्ढा खोदा, फिर कुछ छात्र एक एक कर उसके अंदर जाकर बैठ गए। तभी पुलिस भी पहुंच गई और उनको बाहर की ओर खींचने लगी, लेकिन वहां मौजूद दूसरे छात्रों ने पुलिस वालों का हाथ पकड़ लिया। लिहाजा जवानों ने भी सख्ती दिखाई और एक एक कर सबको जबरन हटाना शुरू किया। इस आंदोलन को जो भू समाधि के नाम पर यहां पर आंदोलन किया जा रहा था, उसको यहां पर रोकने की पुलिस और प्रशासन ने पूरी तरह से कोशिश की है। करीब एक महीने से छात्र यूनिवर्सिटी से बढ़ी फीस कम करने की मांग पर डटे हुए हैं और अलग अलग तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अपनी मांग पूरी न होने पर उन्होंने भू समाधि लेने की कोशिश की, जिससे प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। लिहाजा छात्रों की तैयारी देख उन्होंने भी मोर्चा संभाल लिया और जब कुछ छात्र अनशन वाली जगह पर गड्ढे में उतरे तो उन्हें वहां से हटाने के लिए पुलिस वालों ने सख्ती भी दिखाई। इसी दौरान अनशन पर बैठे एक छात्र की नाक से अचानक खून बहने लगा, जिसे एम्बुलेंस तक ले जाते वक्त छात्र भड़क गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी। छात्रों ने मांग पूरी न होने पर आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी। छात्र अपना धैर्य खो देगा, ये विश्वविद्यालय परिसर के या पूरे प्रदेश में नहीं रह पाएंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फीस 4 गुना तक बढ़ाई है, जिसके खिलाफ छात्र धरने पर बैठे हैं।